गुड आफ्टरनून मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो लास्ट वीडियो में आप लोग देखा है ना कि मतलब ट्रांसप्लांट के बारे में बता रही थी, तो मुझे उसी को आज कंप्लीट करना है मुझे। तो उस दिन मैं बताई थी कि मुझे सुबह सुबह रेडी करके ओटी में लेके गए थे मेरे भाई और मुझे, तो वहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। तो जिस दिन मुझे सुबह में, जिस दिन 1 जून को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, तो उस दिन मुझे ओटी में ले जा रहे थे सुबह। पहले मेरे भाई को लेके गए स्ट्रेचर में, उसके बाद मुझे लेके गए। तो वहाँ पर जाने के बाद हम लोग को डायरेक्ट ओटी में नहीं जाने देते हैं, ओटी में नहीं घुसाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ पर एक ओटी का बाहर भी एक रूम रहता है, तो जिस जिसका मतलब ट्रांसप्लांट होने का है, जिस जिसका ऑपरेशन होने का है, सब उस रूम में पेशेंट को रखते हैं। तो मेरे भाई और मुझे भी रखा गया था, और भी लोग पेशेंट थे वहाँ पर जिसका ऑपरेशन होने वाला था। तो उस दिन मैं, हम लोग मेरे भाई को आगे लेके वहाँ रखे थे, फिर सेकेंड टाइम हमको लेके गए यहाँ से स्ट्रेचर में, फिर वहीं रखे थे ओटी का बाहर, एक रूम है वहाँ पर। और वहाँ पर एक लिस्ट टंगा हुआ था बोर्ड में, नाम लिखा हुआ था पूरा। उस दिन ओटी समझो 30, 31 की 32 था, इतना ऑपरेशन था उस दिन। सिर्फ किडनी का नहीं था, और भी लोगों का था, मतलब दूसरा दूसरा बीमारी का था, जिसका हार्ट का था, कोई किसका था, तो ऐसे करके 31 था। तो वहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ सबका नाम ऊपर से नीचे तक, तो मैं देख रही हूँ कि हमारा नाम कहाँ है। तो मेरा नाम 5th नंबर में था, और मेरे भैया का नाम थे 1st में थे, क्योंकि मेरा भैया को आगे ले जाएंगे ना, इसलिए उसका नाम 1st था। और ट्रांसप्लांट का तो ऑपरेशन भी थोड़ा लेट होता है। उसके बाद हम लोग वहाँ पर बैठे थे, वहाँ पर थे हम लोग। उसके बाद में फिर वो लोग आए, हमारे हाथ में चैनल सब बनाए, हाथ सब चैनल होता है ना, इस सब में बनाया थे दोनों हाथ में, एक हाथ से सलाइन वाटर डालने के लिए बनाए थे, और सेकंड हाथ में बनाए थे ब्लड डालने के लिए, क्योंकि ऑपरेशन का पहले वो लोग सब रेडी कर रहे थे हम लोग को वहीं पर। मुझे तो बहुत दर्द हो रहा था, अभी पूरा सुई अंदर घुसा रहे थे हाथ में, तो फिर मैं बोल रही, मैं चुपचाप हूँ, देख रही हूँ क्या कर रहे हैं वो लोग। उसके बाद में जब मेरे भाई को वहाँ से 9 बजे का समय में अंदर लेके गए ऑपरेशन थिएटर के अंदर, और हम, मुझे तो देख के डर लग रहा था भाई अंदर गया है, अभी मैं क्या करूँ। तो उसके बाद में फिर मैं बहुत देर वेट कर रही थी वहाँ पर, मतलब लेट लेट के। तो मेरे भाई को लेके गए, मुझे लेके नहीं गए, मैं सोच रही। उसके बाद 9:30 वही 10 बजे का 10 बजे तक में मुझे लेके गया अंदर ओटी के अंदर। तो मुझे तो अंदर जाने के समय मैं अपना गॉड को प्रेयर कर रही थी कि जो भी होगा भगवान आपके हाथ में है, वो सोच के मैं अंदर गई थी। मेरे भाई को भी बोली थी थोड़ा सा प्रेयर कर लेना जाने के पहले। तो उसके बाद हम लोग अंदर गए, मेरे भाई अलग अलग, मतलब ओटी में एक ही रूम में हम लोग नहीं थे, दूसरा दूसरा रूम में थे, मतलब ओटी वहाँ पर बहुत सारा है, 10 तो कितना तो ओटी है वहाँ पर। तो मेरा अलग ओटी था, मेरे भाई का अलग ओटी था, मतलब ऑपरेशन एक साथ ही हुआ लेकिन अलग अलग ओटी में हुआ। तो उसके बाद में मुझे लेके गया, मेरे भाई का क्या पता नहीं मुझे, लेकिन मैं जब गई अंदर में तो सब सिस्टर लोग थी वहाँ पर, और जूनियर डॉक्टर लोग जो थे, जो हेल्प करते हैं ऑपरेशन के समय में, वो लोग थे। तो मेन डॉक्टर नहीं आया था, सर्जन नहीं आया था उस समय में, हाँ, और बाकी लोग थे। तो मुझे बोले कि स्ट्रेचर में लेट जाओ, बीच में जहाँ पर लाइट सब रहता है ऑपरेशन के ऊपर में, बड़ा बड़ा लाइट सब रहता है ना, उस जगह पर एक ये था, स्ट्रेचर था, बेड था, उसमें मुझे सुला दिए वो लोग। सुलाने के बाद में, और उसके बाद में वो लोग मुझे कुछ नहीं किए उस समय में, क्योंकि लाइट उठ कुछ जला नहीं था, लाइट सब ऑफ था, सब कुछ था, मतलब नॉर्मल जैसे लग रहा था मुझे, कोई सामान नहीं देखी मैं वहाँ पर रूम के अंदर में। कोई कोई ऑपरेशन में जाने से ऐसा बड़ा बड़ा सामान दिखता था, चाकू वो ये सब है ना, लेकिन वहाँ पर कुछ मुझे सामान नहीं दिखा, मैं और देखी भी नहीं रूम में क्या क्या सामान सब है, मैं ध्यान भी नहीं दी, क्योंकि देखने से और डर लगेगा बोल के मैं उतना ध्यान नहीं दी। जैसे वो लोग बोले हमको सोने के लिए, हम मैं सो गई बीच में। सोने के बाद में फिर वो लोग मेरा शायद कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं रखते हैं, उसके बाद एक कपड़ा ढाक देते ऊपर से, और उसके बाद ठंडा लग रहा मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर एसी बहुत हाई में रहता है, बहुत ठंडा होता है वहाँ पर रूम, तो
तो मुझे बहुत ठंडा लग रहा है। मैं बोल रही सिस्टर को ठंडा लग रहा है, सिस्टर हम क्या करूँ? तो बोल रहे हैं कि बस थोड़ा देर के बाद ठंडा लगेगा नहीं, ऐसे बोल रही है। तो हम बोले क्या बात है, ठंडा लगेगा नहीं बोल रही है। उसके बाद में मुझे कुछ नहीं किया शरीर में मुझे, उसके बाद वो लोग मुझे लेटा के बस मुझे एनेस्थीसिया एक मास्क मुझे दिए नाक में और बोले कि आप स्मेल करो, सूंघो उसको। तो मैं एक या दो बार ही सूंघी होंगी शायद, मुझे उसके बाद में कुछ पता नहीं, सिर्फ दो बार, एक या दो, थर्ड टाइम में शायद मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। उसके बाद में जब उसके बाद तो ऑपरेशन सब हुआ, उसके बाद पूरा बदन में मेरा कहाँ कहाँ पाइप लगा है पता नहीं मुझे, है ना। उसके बाद में ऑपरेशन हुआ, होते होते मेरे भाई और मुझे ऑपरेशन थिएटर से निकाले हैं 5 बजे, 5 बजे निकाले हैं, 5 बज गया था हम लोग का, दोनों का, है। उसके बाद हम लोग फिर मेरे भाई का तो होश आ चुका था, क्योंकि मेरे भाई के साथ आगे से ऑपरेशन हो रहा था लगता उसका, उसके बाद मेरा हुआ लगता, तो मेरे भाई को होश आ चुका था आने के बाद में, उसको बहुत पेन हो रहा था। लेकिन मुझे जब मुझे लेके आया गया एक रूम में, आइसोलेशन रूम में लेके आया गया शाम को, तो मुझे कुछ पता नहीं था। डॉक्टर भी आए थे मेरे, फिजिशियन जो डॉक्टर होता है नेफ्रोलॉजिस्ट, वो भी आए थे देखने के लिए मुझे कि कैसा हुआ ऑपरेशन, कैसा नहीं हुआ, और वो मुझसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ होश नहीं, मतलब मेरा होश पूरा है आया ही नहीं था उसके बाद। लेकिन जब वो लोग स्ट्रेचर से मेरे बेड में सुला रहे थे तो बहुत पेन हुआ, बहुत ज़ोर से पेन हुआ, तब थोड़ा थोड़ा होश आया। लेकिन पेन के चलते में भी इतना पेन था और बेहोशी भी थोड़ा था, मतलब पूरा होश ही नहीं आया था मुझे। उसके बाद में तो पूरा एकदम बेड में सुला के वो लोग आइसोलेशन रूम में सुला दिए, जहाँ पर सिर्फ एक ही कमर, एक ही बेड रहता है सिर्फ एक आदमी के लिए, मतलब एक जन के लिए। तो आइसोलेशन में ऐसा होता ना कि वहाँ के बाहर के लोग कोई आएंगे नहीं, और हमको मुझे कुछ इन्फेक्शन ना हो, सिर्फ एक सिस्टर रहेगी वहाँ पर और दिन भर साफ सफाई होते रहेगा ताकि कुछ इसको इन्फेक्शन ना लगे। और उसके बाद में फिर जैसा रात हो रहा है तो मुझे पेन बढ़ रहा है, मैं सह नहीं सक रही हूँ। उसके बाद में चिल्ला रही डॉक्टर को, बोल रही सिस्टर को, बोल रही मेरे बहुत पेन हो रहा है। तब वो लोग फिर नींद भी नहीं आ रहा मुझे इतना पेन में। उसके बाद वो लोग मुझे पेन किलर की क्या दिए थे, हाँ पेन किलर दिया, और मेरा शरीर में कोई जगह ऐसा नहीं है कि जहाँ पर मेरा पाइप फिट नहीं है। हार्ट का पर में पूरा तार लगा हुआ है, हार्ट का सब देख रहे हैं लोग कि इसका कैसा मतलब चल रहा है सांस, है ना। उसके बाद दोनों हाथ में पाइप है, गला में पाइप है, कैथर लगा हुआ है, और मेरा जहाँ ऑपरेशन हुआ था मतलब पेट को लोग इतना टाइट से वो लोग प्लास्टर जैसा किए थे ना कि मुझे ना पेट एकदम टाइट लग रहा था, टाइट एकदम, समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसा घूमूं, और ऐसे सो सो के मेरा हालत ख़राब हो गया था। और जहाँ पर ऑपरेशन हुआ था मेरा पेट में, उसके बगल में एक छेद किया हुआ था, छेद उसके साथ में एक पाइप जुड़ा हुआ है, वहाँ भी एक पाइप जुड़ा हुआ है और एक थैला लगा हुआ है, क्योंकि अंदर में जो स्टिच होता है शरीर के अंदर में जो स्टिच होता है वो अंदर का जो ब्लड है ना जो निकलता है वो अंदर में नहीं क्लॉट होना चाहिए, इसलिए वो लोग एक बगल से पाइप निकाल देते हैं ताकि वो ब्लड जो निकलेगा अंदर से वो पाइप में जमा होगा, वो थैला में जमा हो जाएगा वहाँ पर। तो ऐसे तो मुझे ऐसे करके पूरा पूरा ब्लड निकल रहा था, और मेरा ब्लड का हीमोग्लोबिन थोड़ा कम हो गया था ऑपरेशन के बाद, मतलब पहले 9 था, उसके बाद होते होते 3 या 4 में आ गया था, 4 में आ गया था हीमोग्लोबिन। फिर डॉक्टर बोले इसको इमीडिएटली ब्लड दो, फिर दो यूनिट ब्लड दिया गया मुझे, तब जाके 7 हुआ। और उसके बाद में फिर भी ब्लड तो निकल रहा है मेरे शरीर से अंदर से ना वो पाइप से। तो उसके बाद में और जहाँ स्टिच हुआ था वो तो अभी वैसे ही चिपका हुआ, मैं देखी भी नहीं, मतलब छूने का भी हिम्मत नहीं, इतना मतलब दर्द हो रहा था वहाँ पर। उसके बाद फिर रात हुआ, रात को मतलब और खाना पीना कुछ नहीं, मुझे पानी पीने का बहुत दिल कर रहा था लेकिन कोई पानी नहीं दिया मुझे उस दिन। उसके बाद पूरा सिलाइन चल रहा है, खाली सिलाइन चल रहा है, और 2 दिन तक मुझे खाना नहीं मिला, खाली सिलाइन वाटर चल रहा है, और यूरिन तो कैथ से हो ही रहा है, तो इसलिए मुझे उठने का भी दरकार नहीं है। लेकिन फिर भी बदन पूरा स्ट्रेट सो के मुझे दर्द कर रहा है, ना इस साइड हो सकती है ना उस साइड हो सकती है। और मेरा ऑपरेशन हुआ था राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड भी मुड़ नहीं सक रही हूँ ना राइट साइड मुड़ सक रही हूँ, दोनों साइड में मेरा हालत ख़राब है एकदम।
उसके बाद में नेक्स्ट दिन जैसे भी करके मैं सुबह तक सोई थी। सोने के बाद में फिर उठी, सोई भी नहीं, मतलब नींद दर्द में क्या सोऊंगी, पेन किलर देते हैं लेकिन उतना हार्ड नहीं देते हैं कि हम सो जाए, है ना। उसके बाद फिर सुबह हुआ, सुबह होने के बाद में फिर वो लोग क्या करते हैं, सुबह होने से पूरा बेडशीट चेंज करना, ये चेंज करना, वो चेंज करना, हमको पोछा पोछी करना, वो लोग मतलब पूरा सफ़ा रखते हैं मतलब। तो मुझे उठने का हिम्मत नहीं है और वो लोग बेड चेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मुझे उठा उठा के साइड से, इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि मत पूछिए, ऐसा हालत ख़राब हो जा रहा था मेरा। डेली सुबह सुबह 5 बजे उठा देंगे और बेड शीट चेंज करो, ये चेंज करो, मतलब वो लोग चेंज कर देते हैं, मतलब मुझे उठाते हैं ना तो मुझे उठने में दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है मुझे। वैसे करते करते 2 दिन मुझे खाना नहीं मिला, सिर्फ पानी जो सिलाइन चल रहा है वही चल रहा है, उसी से मेरा मतलब है। उसके बाद में फिर थर्ड दिन बोल रहे मुझे, अब उठ के आप चलो, क्योंकि सिलाइन वाटर देते देते ना पूरा बॉडी फूल गया था, पूरा पानी से फूल गया था, और यूरिन भी बहुत हो रहा था। हाँ, क्योंकि हम लोग का किडनी का प्रॉब्लम में ऐसा होता है कि हम लोग का जब डायलिसिस होता है तो हम लोग का यूरिन बहुत कम हो जाता है, होता भी नहीं है किसी किसी का, होता भी नहीं है किसी किसी का, बहुत कम हो जाता है। उसके चलते में क्या होता है, शरीर के अंदर में जो भी टॉक्सिन रहता है वो निकलता नहीं है बाहर, इसलिए क्रिएटिन यूरिया सब बढ़ जाता है। इसलिए जब वो लोग ऑपरेशन करते हैं तो लोग ऐसा करते हैं कि जितना पानी दोगे उतना यूरिन निकलेगा, उतना शरीर का बॉडी टॉक्सिन सब निकल जाएगा बाहर, इसलिए बहुत देते हैं वो लोग। उसके बाद में फिर नेक्स्ट दिन फिर हमको लोग कुछ खाने नहीं दिए, बस थोड़ा जूस की क्या था पता नहीं वो वाला दिए थे पीने के लिए, और लिक्विड, सिर्फ लिक्विड। थर्ड दिन मुझे बोल रहे हैं कि आप तुम चलो उठो बेड से। मैं बोल रही हूँ इतना दर्द है, इतना दर्द, अब चलने सकेंगे, पूरा पैच लगा हुआ है पूरा पेट में, अब टांग रहा है, स्ट्रेट चल ही नहीं सक रही मैं झुक के चल रही हूँ, तो बोलते नहीं स्ट्रेट चलो, स्ट्रेट चलो, ऐसे बोल रहे सिस्टर लोग, बोलते हैं कि फिर डॉक्टर भी आया तो बोलता तुम जितना चलोगी उतना जल्दी तुम्हारा ठीक होगा घाव, नहीं तो ठीक नहीं होगा, ऐसे बोल रहा है। मैं कैसे करके चली। उसके बाद थर्ड दिन भी थोड़ा खाने मिला, मतलब थोड़ा खाने मिला हम लोग को, तीसरा दिन खाने दिए वो लोग। उसके बाद बोल रहे हैं कि अब हम लोग कैथ निकाल देंगे तुम्हारा, अब तुमको बाथरूम जाना पड़ेगा, जो भी करना है यूरिन करना है जो भी करना है तुमको बाथरूम जाना पड़ेगा। अब वो भी मुझे मुसीबत लग रहा है क्योंकि मेरा दर्द तो नहीं जा रहा है, दर्द है, अब दर्द तो करेगा ना, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ अंदर तक दर्द करेगा ही। तो उसके बाद में फिर कैसे करके जाती थी बाथरूम, आती थी बाथरूम से, मतलब बहुत दर्द करता था, लेकिन फिर भी कोशिश की। मैं डॉक्टर बोला मुझे तुम जितना चलोगी उतना तुम्हारा बॉडी फ्लेक्सिबल होगा और तुम्हारा दर्द भी कम होगा और तुम जल्दी ठीक होगी घर जाने के लिए। वो सोच के मैं भी चलने लगी। तो फिर मैं चलती थी, कम से कम मैं वहाँ 8 दिन की 9 दिन थी, तो मेरे रोज़ अच्छा खाना अच्छा से यूरिन भी हो रहा था, अच्छा सब चीज़ हो रहा था, डॉक्टर भी देखे, लेकिन वही है थोड़ा ब्लड कम हो रहा था मेरा शरीर का। उसके बाद में फिर 2 यूनिट दिया ब्लड दिए थे, उसके बाद थोड़ा दिन के बाद फिर मेरा ब्लड फिर कम हो रहा है, तो फिर डॉक्टर मुझे बोले इसको फिर और ब्लड दो। तो मेरा मुझे 3 यूनिट ब्लड लगा, है ना, सब मिला के। तो उसके बाद में फिर ब्लड दिए, उसके बाद मेरा पोटेशियम बहुत लो हो गया था, ब्लड पता नहीं क्यों लो हो गया था, पोटेशियम बहुत लो हो गया था। तो डॉक्टर मुझे बोले इसको नारियल पानी दो, क्योंकि नारियल पानी में बहुत पोटेशियम होता है। तो मुझे दिन में 3 बार नारियल पानी दिया जाता था पोटेशियम को ठीक करने, नॉर्मल लाने के लिए। तो ऐसे ही मेरा जर्नी था हॉस्पिटल का। उसके बाद में मुझे कब वहाँ से आए, उसके बाद मैं कम से कम एक से ऑपरेशन हुआ तो 8 तारीख को मुझे डिस्चार्ज कर दिए डॉक्टर ने। 8 तारीख को मुझे बोले कि अब तुम जा सकती हो, अब लेकिन थोड़ा सावधानी से रहना। तो यही था मेरा फ्रेंड्स, मेरा ट्रांसप्लांट का जर्नी, जो मैं ज़्यादा लंबा करके नहीं बताई आप लोगों को, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी थोड़ा आप लोगों को बोल लगेगा ना, इसलिए। तो मेरा यही रहा, लेकिन पेन अभी तक है, पेन तो अभी तक रहेगा हल्का हल्का, क्योंकि अंदर तक स्टिच हुआ है और बाहर का स्टिच जो था वो खुल गया है। बाहर में जो लोग स्टिच करते हैं ना, वो स्टैपलिंग करते हैं, वो लोग खोल दिए इसको, तब ऊपर का थोड़ा सूख गया है, लेकिन अंदर का जो दर्द है अभी भी है, फील होता है मतलब चलने उठने बैठने से, लेकिन ऐसे सब टोटली मेरा अभी मैं ठीक हूँ। और अभी मुझे यहाँ रहना है 1 महीना के लिए,
और मुझे डॉक्टर बोले मुझे कि वीकली 2 बार टेस्ट करना है, ब्लड टेस्ट है ना, तो इसलिए मुझे यहाँ रहना पड़ेगा और रोज हफ्ता में 2 बार ब्लड टेस्ट करके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा ताकि मेरा बॉडी कैसा काम कर रहा है, मेरा क्रिएटिन लेवल कितना है, सब बाकी सब जितना है ब्लड ब्लड सब देखेंगे। तो इसलिए मैं अभी ये महीना शायद जून में रहूँगी, जून में 1 तारीख हुआ ना, जून में रहूँगी ना। उसके बाद में और एक काम बाकी है मेरा फ्रेंड्स, वो मेरा फाइल में लिखा हुआ है कि स्टेंट रिमूवल। अब स्टेंट रिमूवल क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि ये चीज़ होता है 1 महीने के बाद, उसमें लिखा है 1 मंथ के बाद वो रिमूव करेंगे। अब स्टेंट रिमूवल क्या है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आज इतना ही आप लोगों को बता रही हूँ अपना ट्रांसप्लांट के बारे में, और आगे मैं आप और भी कुछ है बताते रहूँगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में स्टेंट के बारे में बताऊँगी कि मुझे कब डेट मिल रहा है, कब मुझे फिर जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में स्टेंट निकालने के लिए। वो निकालने के बाद तो फिर मुझे शायद सर बोलेंगे घर चले जाओ, अब तुम घर जा सकती हो, बस उसी के लिए वेट कर रही हूँ मैं स्टेंट रिमूवल के लिए, क्योंकि 1 मंथ के बाद ही निकलेगा वो बोल के। तो अभी मैं एक्साइटेड भी हूँ बहुत कि कब निकलेगा, मैं कब घर जाऊँगी, बहुत दिन हो गया किसी से मिली नहीं, बहुत लोगों से मिली नहीं हूँ मैं, तो अभी मिलना भी नहीं है किसी से, पर घर तो जा सकते हैं ना, घर में तो रह सकते हैं ना, सबके साथ बात कर सकते हैं, घर में तो रह सकते हैं, बाहर वालों से नहीं मिलना है अभी मुझे, खाली घर वाला लोग से तो मिलना ही होगा, क्योंकि घर में तो रहेंगे तो बातचीत तो हो ही गया, यहाँ पर अकेला अकेला लगता है, अच्छा लगता नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तब आज का वीडियो इतना ही, अब मैं वीडियो एंड करती हूँ, हो सके तो आप लोग जो भी नया हो सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगे तो। बाय।